नमस्कार दोस्तों, आज है एक अनदर दिन। मॉनसून सीज़न स्टार्ट हो चुका है। आज हम जा रहे हैं, थोड़ा मौसम अच्छा हो रखा है तो घूमने जा रहे हैं कहीं आसपास ही। एक आज जो बेसिकली वीडियो है वो घूमने का कम और एक प्रोडक्ट को टेस्ट करने का ज़्यादा है। पिछली बार जब मैंने वीडियो बनाया था तो काफ़ी लोगों ने मुझे ये कहा कि आपका जो वीडियो है उसमें जो आवाज़ है वो थोड़ा सही नहीं आ रही है। बीच में डिस्टरबेंस काफ़ी थी क्योंकि लेह लद्दाख में घूम रहे थे, आवाज़ चारों तरफ से काफ़ी आ रही थी और उस कारण से डिस्टरबेंस भी आ रही थी बीच बीच में काफ़ी सारी। तो आपकी तरफ से काफ़ी फीडबैक आया था कि भाई माइक आपको होना चाहिए जो बेटर हो और जो नॉइज़ कैंसिलेशन कर सके। सो मैंने ऑर्डर किया है एक प्रोडक्ट और वो मेरे पास आ गया है, तो वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि वो प्रोडक्ट क्या है। तो ये जो प्रोडक्ट आया है, मैंने जो वायरलेस माइक मंगवाया, बेसिकली काफ़ी मैंने रिसर्च करी और ये एक्सट्रीम एकोस्टिक्स का माइक है। इसका नंबर दिया हुआ है XAWLGK1 2.54 GHz का सिंगल चैनल वायरलेस माइक्रोफोन है। तो इसको हम निकाल के देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आई हैं। मैंने खोल लिया था, कल आ गया था मेरे पास, लेकिन आपको मैं अभी दिखा रहा हूँ कि ये कैसा दिखता है। तो इसमें से निकलता है ये बॉक्स, इसके अंदर से एक ये बॉक्स है, बड़ी अच्छी पैकिंग है। और बॉक्स के अंदर जो हमारे पास है, एक ही कवर है ऊपर, इसको उतार देते हैं। तो इसके अंदर जो नीचे दिख रहे हैं वो ये दो पीसेस हमको दिख रहे हैं। इसमें से एक है माइक, ये देख लेते हैं कि कौन सा है माइक। तो ये माइक नहीं है, ये तो जो है कैमरा पे लगाने वाला है। इसमें काफ़ी चीज़ें हैं लगी हुई, इधर भी कुछ है, जिसमें से ये चार्जिंग का पोर्ट है, ये प्लस माइनस करने का है, आवाज़ कम ज़्यादा करने का। तो ये चीज़ें, ये आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, अभी करके दिखाएंगे हम कि कैसे कर सकते हैं। और ये ऑन ऑफ़ करने का बटन है ऊपर, बाकी इसमें कुछ नहीं है, बाकी ये चीज़ें इसमें ऐसे दिखती हैं। तो इसको अभी हम लगा के देखेंगे कि कैसा लगता है। काफ़ी छोटा है, स्मॉल है, काफ़ी अच्छा है पीस। तो दूसरे पीस को देखते हैं, ये जो है इसका दूसरा पीस है, ये बेसिकली माइक है जिसके ऊपर ये ऐसा सा बना हुआ है सफ़ेद सा। तो बेसिकली ये है माइक, और माइक के आसपास भी आप इसमें एक्सटर्नल माइक भी लगा सकते हो, ये इसके पास जगह बनी हुई है। ये ऑन ऑफ का बटन है, यहाँ पे भी 3-4 बटन बने हुए हैं अलग अलग चीज़ के लिए, करोके के लिए, ब्लूटूथ कनेक्ट करने के लिए, और आपका जो वॉइस है, जो डिस्टरबेंस है उसको कम ज़्यादा करने के लिए भी बटन बने हुए हैं। इधर ये चार्जिंग पोर्ट है और इधर ये आई थिंक कुछ कनेक्ट करने का है। देखते हैं, इसको यूज़ करके देखेंगे, फिर आपको बताते हैं। और ये इधर ऑन ऑफ करने का बटन है। तो ये दो है, इसमें एक जगह तीसरे की भी बनी हुई है। ये सिंगल चैनल मेरे को मिला अराउंड 3000 समथिंग का, और अगर ये आप डुअल चैनल लेते हैं तो यहाँ पे भी एक और आता है ऐसा जो कनेक्ट करने वाला, ताकि आप अगर चाहते हो तो दो बंदों से भी आप बात कर सको। तो उसके लिए फिर यहाँ पर आपको दो ऐसे माइक मिल जाते, तो जिससे आपने बात करनी है वो दूसरा आदमी भी अपने यहाँ पे लगा लेता और मैं भी अपने लगा के, तो इंटरव्यू वगैरह जैसे लेना हो तो उसके लिए डुअल चैनल माइक भी यूज़ कर सकते हैं। पर ये है सिंगल चैनल, तो इसमें सिर्फ एक ही हमारे पास आया है। फ़र्क था ऑलमोस्ट 2000 का। मेरे को मोस्टली सिंगल ही किसी का इंटरव्यू कम ही लेना पड़ता है, तो मैंने ये सिंगल वाला ही चूज़ किया है। इसको अभी हम कंपैरिजन भी करके देखेंगे कि अभी जब से मैं बात कर रहा हूँ बिना माइक के बात कर रहा हूँ, और फिर हम जब यूज़ करेंगे विद माइक यूज़ करेंगे, वो भी देखेंगे कि कितना आवाज़ में फ़र्क आता है, क्या फ़ायदा होता है कि नहीं होता है। तो इस सब चीज़ के लिए भी हम टेस्ट करेंगे। अभी हम घूमने जा रहे हैं कहीं, तो घूम के भी आएंगे और साथ साथ में माइक टेस्ट भी करेंगे कि हाउ गुड इज़ दिस माइक, और इसकी बाकी चीज़ें भी हम बीच में इवेल्युएट करेंगे। इसको हम गोप्रो पे इंस्टॉल करके भी देखेंगे। तो चलो चलें टेस्ट करते हैं। अभी देखो जो मेरी आवाज़ आ रही है वो बिना माइक के आ रही है, और आप देख के बताना कैसी आ रही है। ये थोड़ा दूर करके है, ये थोड़ा पास से है, ऐसे है, तो देखना कैसी आवाज़ आ रही है। और अभी हम माइक इंस्टॉल करके देखते हैं अपने गोप्रो पे, तो फिर देखते हैं कैसी आवाज़ आएगी। बेसिकली गोप्रो 8 है मेरा, है ना, गोप्रो 8 के ऊपर मैंने मीडिया मोड लगा रखा है। अब मीडिया मोड के ऊपर
हम ये इंस्टॉल करेंगे चीज़ें। तो ये तो है माइक, ये तो मेरे लग जाएगा यहाँ पर, है ना। तो ये माइक लग गया यहाँ पे नज़दीक पे और इस पे, और जो ये दूसरा है ये हम इंस्टॉल करेंगे इसके ऊपर। तो ये जो पार्ट आता है इसका ऐसे खुल जाता है बटन से, और ये इसके अंदर स्लाइड होके ये एकदम फिट हो जाता है। तीसरा चीज़ जो हमको चाहिए, ये TRS-II, इसके साथ ही आई थी TRS-II TRRS केबल। तो इसका ये जो पार्ट है ये GoPro के अंदर यहाँ लग जाएगा, ये GoPro में लग गया, ठीक है। और ये जो दूसरा पार्ट है वो इसके अंदर यहाँ पर लग गया। तो अब हम इसको ऑन कर देते हैं, ये ऑन हो गया। तो अभी फ्लैश नहीं हो रही, इसका मतलब आगे ये ब्लू लाइट, ठीक है। और इसमें इंडिकेटर आता है, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ देखो ये लाइटें ऊपर नीचे हो रही हैं, इसका मतलब दोनों माइक कनेक्टेड है। तो चलो अब आगे की वीडियो माइक से बनाएंगे, रास्ते की भी थोड़ा सा, और फिर देखते हैं कि माइक कितना अच्छा काम करता है। आज बारिश हुई है, बारिश के या साफ चीज़ें दिख रही है, अच्छी खासी मानसून वाली बारिश हुई है। ये देखो भाई साहब दूर तक देखो, आपको बादल ही बादल अभी भी पहाड़ों में दिख रहे हैं, और पहाड़ बहुत सुंदर दिख रहे हैं, रोड पे बाहर पानी दिख रहा है। तो भाई अभी हम जो भी बोल रहे हैं माइक से बोल रहे हैं, और ये दिव्या बिलोगर हमारी साथ में है। हरा हरा हो गया सारा, सब हरा हरा, पीछे से लग रहा था। वो कंफ्यूज्ड है। देखो अभी लग रहा है भाई साहब को, ये देखो सारे मंकीज बैठे हैं, और इनको लोग खाना दे देते हैं, खुश हो जाते हैं। सारे बंदर, बंदरों की फौज, ये देखो पूरे बंदरों की फौज, कितना प्यारा लग रहा है ये। अरे भैया मेरा फोन ना ले जाए, मैं तो अंदर ले लिया। और ये अभी जितना भी बोल रहा हूँ ये माइक से बोल रहा हूँ, और वरना माइक से बाहर करो तो बिल्कुल भी सारी साउंड आती है आपको उसकी नॉइस, विंड नॉइस। अभी हम बाहर इसमें से निकाल के देख रहे हैं तो पता नहीं कैसी नॉइस आवाज़ आ रही है, कैसे नहीं आ रही। ये हम शायद अच्छी आ रही होगी इस माइक लगाने के बाद, आपको विंड नॉइस वगैरह सारा कैंसिलेशन हो रहा होगा। एंड दिस इज़ वन ऑफ द फेवरेट मंदिर जो हमको पसंद है, और ये रास्ता है, इधर गाय भैंसे चल रही हैं, पूरा हरा हो रखा है, और ये दिव्या है अपने वीलॉग बनाते हुए। ये सारे मंकीज आ गए हैं कुछ खाने को मांगने, ऊपर है एक, इधर है, एक्चुअली आदत हो रखी है इनको लोग खाना देने की। तो अभी मैं और दिव्या रुक गए हैं कहीं पे, दिव्या की कोई फेवरेट जगह है तो यहाँ ये दिव्या घूमने के लिए इसने रुकवा दिया मुझे। तो अभी सारा माइक से चल रहा है, आई होप द आवाज ठीक आ रही होगी। अभी थोड़ा सा और रिव्यू करेंगे इस माइक को ऑन द गो। लोकेशन ऑफ बेयर वाला बर्ड सेंचुरी, कहाँ लिखा है बर्ड सफारी, ये हरी वाली है बर्ड सफारी। तो ये रोड के साथ साथ अभी एक चेक करते हैं ये माइक की ना, वैसे तो बैटरी तीन चार चार पाँच घंटे की बताते हैं। तो अभी मैं ये दिव्या को माइक दे रहा हूँ ताकि ये डिस्टेंस से चेक कर सकें कि कितना दूर तक ये माइक काम करता है। होप कि अभी तो माइक काम कर ही रहा होगा। तो ये दिव्या को मैं पकड़ा रहा हूँ, तो मैं थोड़ा दूर जा रहा हूँ और देखते हैं कि कहाँ तक ये माइक आवाज़ सही से पकड़ता है। और एनवायरनमेंट तो दोनों साइड का देखो, नदी में पानी आ चुका है क्योंकि मानसून का सीज़न स्टार्ट हो चुका है। ऑसम जगह है, बढ़िया जगह है बर्ड सफारी की। यस, सो लेट्स सी कब तक, कहाँ तक अच्छी आ रही होगी, होपफुली माइक अच्छा काम कर रहा होगा। तो काफ़ी डिस्टेंस है, कई फुट मैं चला गया था दूर, और अब मैं फिर से वापस आ रहा हूँ। तो ओमनी डायरेक्शनल माइक है बेसिकली ये। पुल के नीचे खड़े, धूप भी नहीं आ रही, और ये पानी बहता हुआ कितना ज़बरदस्त लग रहा है, सुंदर साफ पानी, क्या ब्यूटीफुल नज़ारा है। आज तो सच में बारिश होने के बाद ना कुछ अलग ही ब्यूटीफुल लगने लग गया है। उधर दूर देखोगे ना तो पूरा बादलों से घिरी हुई हैं पहाड़ियाँ, और हरा हरा सुंदर ब्यूटीफुल लग रही हैं। तो कुछ लेते हैं फ़ोटोज़ यहाँ पर और आपको दिखाते हैं कितना सुंदर लग रहा है। सुंदर अगर लड़के साथ हो तो फिर कोई भी राइड का मज़ा ही मज़ा है। दिव्या रानी और मानसून राइड, क्या कॉम्बिनेशन है। तो कुछ कुछ खाना पीना थोड़ा सा कर लेते हैं।
एक बहुत ही अच्छा ग्रीन एरिया में सफ़र था, और पीछे है नीम वाला टिकर ताल और ये सब। अब ये कुछ खाएंगे, कुछ चिप्स खाएंगे, फिर आगे कहीं चाय कॉफ़ी पी के फिर घर निकलेंगे। बट द व्यू इज़ ब्यूटीफुल, सारी तरफ क्लाउड्स ही क्लाउड्स हो रखा है, और ग्रीन ब्यूटीफुल गीला गीला रोड्स हैं, ठंड ठंडी हवा है, मस्त सारा कुछ। ये गाड़ी हमने खड़ी करी और ये दिव्या जहाँ जहाँ लेके जा रही है वहाँ वहाँ लेके जा रही है। वाटिका है कोई? वाटिका वाटिका वाटिका, चलो घूम के आते हैं। दिव्या ने अच्छा ही बताया होगा, है ना? ये है वाटिका, उधर देखो दूर मौसम का, मतलब शांति है, शांति तो नहीं है, झिंगुरों की आवाज़ है, है ना, और पक्षी वगैरह भी आवाज़ है। बाकी एक वीडियो कॉलोज मैं अभी आपसे शेयर करूँगा जो मैंने अपने कैमरे से यहाँ लिए, पशु पक्षी जानवर पानी सीनरी के, और ब्यूटीफुल है। इसमें देखो काफ़ी सारे मेंढक है, बहुत सारे इसमें मेंढक ही मेंढक है। तो चलो आई थिंक काफ़ी टाइम हो गया, अभी हम चलते हैं नीचे की साइड दिव्या के अपने वी लॉगिंग दिव्या। मजा आ गया? बहुत मजा, अच्छा लगा, मजा। सीन है मेरे भाई चारों तरफ और सामने बादल, वाह ब्यूटीफुल सीन है, मस्त। अब इसी जगह पे अगर मेरी आवाज़ बिल्कुल साफ आ रही है तो इसका मतलब माइक सही से काम कर रहा है, और क्योंकि ऐसे ना तो विंड नॉइस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए थी, अगर विंड नॉइस ज़ीरो है तो इसका बहुत अच्छा काम है बाइक का। ब्यूटीफुल सीन, ब्यूटीफुल दिव्या, और Enjoying a lot. जबरदस्ती सीन है, नीचे देखो नदी में भी पानी है, आज तो पहली बार है ना। नहीं नदी में पानी होता है पर बहुत कम होता है नॉर्मली, ये घग्गर की ट्रिब्यूटरी है, घग्गर में ही जाके मिल जाती है। और उधर देखो पूरे बादल से कवर्ड पहाड़ियाँ, अभी भी बादल है कई जगह पे, अलग अलग जगह पे ये प्लेन्स आ जाती हैं। इधर एक अलग ही फील है यार, एक अलग ही सीन है, जबरदस्त है भाई, नंबर वन। और ये देखो नंबर वन, जबरदस्त है क्योंकि मैं साथ हूँ, अच्छा मौसम है इसलिए जबरदस्त, इसलिए जबरदस्त है। नंबर वन खड़ी और नंबर वन जगह, चारों तरफ का सीन ब्यूटीफुल है, ऑसम। हमारी गाड़ी, अब हम वापस चलेंगे, अब बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, तो मुझे लगता है ये माइक सही काम कर रहा है। बाकी और फीचर्स तो हम धीरे धीरे एक्सप्लोर करेंगे, बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैंने यूज़ किया और सही लग रहा है, मस्त लग रहा है।